नमस्कार स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर पांच पर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल और एन सी ई आर टी पी एम ए विद्या क्लास फाइव पर मैं सृजन राजपूत हूँ ये सत्र सी आई टी एन सी आर टी द्वारा लाइव इंटरैक्टिव आपके लिए प्रस्तुत कर किया जा रहा है कक्षा पाँच के बच्चों के लिए हम जो आज विषय पढ़ने जा रहे हैं ये ई का चैप्टर नंबर इलेवन है आपकी टेक्स्ट बुक से एंड टॉपिक इज़ सुनीता इन स्पेस तो पार्ट वन आज हम अपने इस सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और सत्र का दूसरा हिस्सा पार्ट टू भी आप ज़रूर देखेंगे हम सुनीता इन स्पेस पढ़ेंगे तो बच्चों जब भी आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो आपको ज़रूर इस बारे में सोचकर गर्व होता होगा कि हमारे भारत के बहुत से ऐसे युवा हैं ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हुए जिन्होंने कि अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ी और सिर्फ ऐसे में पुरुष ही नहीं हमारी महिलाएं भी आगे रही हैं तो हम जानेंगे सुनीता इन स्पेस में कि कौन है सुनीता और सुनीता ने ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी ऐसे ही हमारी कहानी में हमारी स्टोरी में कुछ प्यारे बच्चे हैं जो कि सुनीता से मिले हैं क्या आप कभी किसी एस्ट्रोनॉट या किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिसने की स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्रा की हो यदि हाँ यदि और भी आपके मन में प्रश्न हैं तो आप बेझिझक उन्हें हमसे साझा कीजिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड वन ऑफ देम इज़ अवर ऑफिशियल नंबर दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन इट्स एट एट जीरो ज़ीरो फोर फोर जीरो फ़ाइव फ़ाइव नाइन दिस मीडियम यू कैन राइट अ मेल टू अस ऑन डी टी एच डॉट क्लास फाइव एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन क्योंकि आप हमारी YouTube ऑडियंस है विभिन्न माध्यमों में से एक हमारे YouTube चैनल्स के जरिए आप हमें देख रहे हैं आप लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख कर अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं प्रयास रहेगा नाम के साथ आपके सभी प्रश्नों को सत्र में शामिल करने का अब बिना किसी देरी के लिए चलती हूँ आपको आज के एक्सपर्ट के पास आप है मैम मिस ईना सिंह मैम स्वागत है आपका नमस्कार मैम नमस्कार मैम मैम इना सिंह असिस्टेंट टीचर हैं आर एस के वी कोंडली जीजाबाई दिल्ली स्कूल से तो आज मैम के साथ ही जानेंगे कि कौन है सुनीता सो मैम लेट एस नो हु इज़ सुनीता इज शी इज़ फर्स्ट वन हु बिलोंग्स टू इंडिया एंड नाउ इन स्पेस नो शी इज़ नॉट द वन प्रायर टू दैट मिस कल्पना चावला वेंट टू द स्पेस बिफोर सुनीता विलियम्स शी इज़ फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन यस So, shall we begin the chapter? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Uh, today we are going to discuss Sunita in space. It is of uh, chapter five of class five from EVS book. So, let's discuss it. G. So. Before uh, moving ahead, can we discuss something like uh, if we talk uh, about Sunita and Kalpana? Uh, we know uh, that Kalpana is uh, also one of them person who is belongs from India and uh, uh, belongs from India and. Uh, शी विजिटेड द स्पेस हम सुनीता और कल्पना दो नाम तो जान चुके हैं जिन्होंने कि अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ी है और वो भारत मूल की थी तो क्या खास था कल्पना चावला के बारे में और क्या खास आज हम जानने वाले हैं सुनीता इन स्पेस पार्ट वन टॉपिक में सो लेट्स बिगिन टू डे इस टॉपिक नाम प्लीज येस सो एज यू डिस्कस डेट दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सुनीता एंड कल्पना एंड इन द एज द चैप्टर विल फ्लो we will discuss the kalpana chawla later prior to that i'll discuss miss sunita williams sure okay so children who is sunita williams if you have any knowledge about it you can write it on your notebook and as we are discussing it here sunita williams was the second person from the indian origin who went in space and from the nasa and she is also, uh, she is also a also navy officer from indian descent hmm. ma'am you be, uh, you mentioned here nasa can we know uh, about nasa organization it yes it is yes, please. It's the national aeronautical space organization of hmm. america okay yes and uh, isro uh, is that belongs In, from india, india yes. Okay. yes isro is from india nasa is from america so, shall we begin the chapter? Yes, ma'am. Sure. Yes. So, look at the PPT, straight from the heart, what do you think the earth looks like? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are, take a look at your friend's drawing too. So, children, what do you think, what earth looks like from the space? I think uh, it looks like blue more than other colours. फोकस लेट्स फोकस ऑन दिस पी पी टी यस दिस इज अस अर्थ विच लुक्स लाइक फ्रॉम द स्पेस ओके लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज येस कैन यू प्लेस योर सेल्फ ऑन दिस पिक्चर येस श्योर सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है हमें ज़्यादा ब्लू यानि पानी की वजह से क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पानी मिलता है तो स्पेस से ये जो तस्वीर खींची गई है बच्चों ये ब्लू दिख रही है और ये बहुत खूबसूरत है जी जी तो बच्चों जो अर्थ है हमारी स्पेस से वो इस तरह दिखती है और अब हम आप के सामने जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है ओके ओके नाउ कमिंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ आर रियली लुक लाइक ओके There are two children, Uzaira and Shamir, who are playing with the globe. Okay, while they play, they are talking to each other. Uzaira, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than six months in space. Shamir, looking at the globe. Hmm, look here in America, Africa. Here, where is space? Uzaira the sky the stars the sun moon they all are in space so children look at this globe what is it okay this is a uh, portrait of earth mm -hmm. and here i really want to know ma'am what is the difference between globe map and other shows our earth yes basically from the space the earth looks mm -hmm. like this as i shown in the previous picture hmm. the earth looks like this from the space but globe is basically a miniature you can mm -hmm. say a political or a 3d representation of an earth hmm. we can say that there are different countries continents and sea and oceans are there mm -hmm. which represents the parts of our earth and where the country in which we live india yes can yes. we uh, try to find uh, our india yeah yes you can. Here it is. Yeah. Dear viewers, uh, can we move uh, towards the views? So. Yes. Yeah. Here is India, where we live. It's our country. Yes. Yes. So, Uzaira and Shamir are talking to each other. And so, Uzaira is saying that, you know, Sunita Williams will visit our school tomorrow. I have heard that she has spent more than six months in space. It's a huge time basically hmm. that someone spent in space. It's a you know, huge time. Yes. yes, Shamir, looking at the globe. Hmm. Look here in America Africa here. We are in space. But where is the space? Can you tell where is the space? आई थिंक वी आर अनेबल टू शो ऑन दिस ग्लोब वेयर इज स्पेस एक्चुअली हम ये तो इस ग्लोब के जरिए नहीं दिखा सकते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ है लेकिन बच्चों के नज़रिए से बात करें उन्हें ऊपर यानी आसमान की ओर देखना बहुत पसंद आता है क्या बच्चों आपको भी ऐसा करना पसंद आता है और अंतरिक्ष आपको दिखाई देता है जी आप देख सकते हैं कि जो अर्थ आप पिक्चर पे एक बार देखिए ये जो अर्थ के आसपास का जितना भी एरिया होता है वही स्पेस है Okay. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ पर अर्थ है और mm -hmm. उसके आसपास जितने सारे प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं कॉन्स्टेलेशंस हैं वो सभी स्पेस में आते हैं सो नाउ वी कैन डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो स्पेस एंड सो फ्रॉम अर्थ एंड स्पेस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द Gravitational force basically. Mm -hmm. That's why we are stand, we are eligible to, eligible to stand on earth and we are floating on sky. Yes, definitely. We are floating in sky, in space basically. In space, in space, in yes. space basically. Mm -hmm. And on earth, we stand on the ground. एंड देर इज़ नो एयर इन द स्पेस तो बच्चों आप सोचते हैं ना कि हम अर्थ पर आराम से खड़े रह पाते हैं कोई चीज़ गिरती है तो वो गिरने के बाद सीधा ज़मीन पर आ जाती है चाहे वो कोई पेड़ हो या आपकी बॉल हो तो वो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पर हर चीज़ फ्लोट कर रही होती है इसके पीछे एग्जैक्टली exactly रीज़न क्या है हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मैम बेसिकली यही मेन डिफरेंस है स्पेस में और अर्थ में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ जिस वजह से हम जो हैं ग्राउंड पे या अर्थ पे खड़े रह पाते हैं अदरवाइज हम भी फ्लो करें स्पेस में वो नहीं है, है। इसलिए वहाँ हम फ्लो करते हैं तो क्या सुनीता जब अपना टाइम स्पेस में बिता रही थी तो उसे ये सब चीज़ें परेशान करती थी बिल्कुल मैम हम जब जैसे इस चैप्टर को पढ़ने लगेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई और उन्हें कैसा वहाँ पर फील हुआ जब वो स्पेस में थी जी जी सो so, नेक्स्ट जी तो आगे जानते हैं बच्चों की सुनीता जी. को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और हमारे ये जो बच्चे दो बच्चे हमारे साथ इस कहानी में हैं जो कि सुनीता से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं और वो ग्लोब पर अपनी कंट्री को देख रही हैं इसके अलावा और हुँ. भी कंट्रीज़ को देख रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं और बच्चों के मन में यहाँ पर प्रश्न भी आ रहा है क्यों इस ग्लोब के ज़रिए स्पेस नहीं दिखाया जा रहा है तो हमें यहाँ पर बहुत सी वजह पता चल चुकी हैं और हमें यह भी पता चला है कि हमारी अर्थ के पास जो एक सुपर पावर है वो है ग्रेविटेशनल पावर सो मैम क्या हम आगे जाने यस yes, बिल्कुल सो वी कैन स्टार्ट शमीर यस यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन स्पेशप आई सो ऑन टी वी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर यस उजायरा Yes, from there the earth look like this globe. Yes, Shamir, if our earth look like this globe, then where we are? So, Uzaira takes a pen and places it on the globe. Uzaira, here we are. There is India. As I shown you, there is India. Mm -hmm. Then Uzaira, yes. basically we are discussing here Indian children. So, they are placing themselves in the globe mm -hmm. that we are in India. And they are talking about the Sunita uh, William will would with their school so yes. they are discussing it hmm. so Shamir if uh, if our earth look like this globe then where we are as i told you they are in india hmm. okay Shamir if we were here like this we would all fall off now एज उजैरा सेट देस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर अर्थन शमीर इज सेयर वी शुड फॉलो ना हमें तो गिर जाना चाहिए जी क्योंकि ये जो अर्थ है हमारी राउंड है एक बॉल के जैसे है ना और इसी तरीके से वो सोच रहे हैं कि अरे हम गिर क्यों नहीं रहे हैं अगर हम <laughs> यहां पर हैं स्पेस में तो हम यहां पर हैं अर्थ पर इस तरह खड़े हैं तो हमें गिर जाना चाहिए हम गिर क्यों नहीं रहे सो so, हमें लगता है कि हम ग्लोब के अंदर रहते हैं ना कि ऊपर <laughs> ये शमीर का सोचना है जी जी उजायरा इफ़ वी आर इनसाइड, देन वेयर इज द स्काई द स्कन द मून एंड द स्टार्स देयर मस्ट बी ऑन द ग्लोब ना सो अब उजायरा कहती है अगर हम अंदर हैं तो जो हमें स्टार्स सन मून ये सब दिखाई देते हैं वो कहाँ है तो वो भी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया उज़ायरा ने ताकि इस कंसेप्ट को वो क्लियर कर सके तो शमीर बोलता है टुआर्ड्स द लोअर पार्ट ऑल दिस सीज एंड ऑशन मस्ट बी ऑन द ग्लोब ये ग्लोब पर ही हैं और हम भी mm -hmm. ग्लोब पर ही हैं हम अंदर नहीं हैं हम बाहर के आउटर स्पेस uh, उस पे लैंड uh, पर ही रहते हैं अर्थ की हम इनसाइड नहीं हैं हम इसके आउटर पार्ट पे हैं तो शमीर जो कहता है पॉइंटिंग टुअर्ड्स द लोअर पार्ट इफ यू सी द लोअर पार्ट सो दे आर सेंग के यू मीन टू सी दैट देर नो वन स्टैंड स्टेज देयर क्या वहाँ पे कोई नहीं रहता देन उजायरा पीपल लिव देयर टू वहां पे भी लोग रहते हैं ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर देयर ओके शमीर आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ ओके अगर ये लोग यहाँ रहते तो वो गिरते क्यों नहीं है क्या वो उल्टे रहते हैं mm -hmm. उल्टे खड़े होते हैं उजैरा कहती है इट्स लुक स्ट्रेंज एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी वाई डजन दर सी लेवल फॉलो ऑफ अच्छा तो ये तो बहुत चेंज है ऐसे तो फिर जो समुद्र है उसे भी ऐसे गिर जाना चाहिए नीचे स्पेस पर पे। तो वट डू यू थिंक चिल्ड्रन इज़ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाओ इज इट दैट वी डू नॉट फॉलो ऑफ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है हम दोबारा इस चीज़ पर अब बारीकी से जानेंगे कि जो अर्थ है वो हमारी ग्लोब की तरह दिख रही है हाओ इज इट दैट वी डो नॉट फॉलो ऑफ हम क्यों नहीं गिरते हैं so i find the reason that you already told us because of gravitational power g because okay. of gravitational power is there any other possible answers to <laughs> mainly it is of gravitational force that we strip there hmm. otherwise we will also fall off yes. and float in space <laughs> and uh, i am giving you the example suppose hmm. this is an earth and the everything around this earth is a space okay yes i can show in you in picture hmm. this is our earth and the hmm. all the area around the earth is the space and lo look at the major level this is the picture of our solar system mm -hmm. in which there are many planets in our solar system and the sun and you can see that how the space looks like. Yes, clear now. Can yes. we move ahead? And there are many more things in the mm -hmm. space as I can show you. Constellations are also mm -hmm. there in the space. Okay, have you, have you uh, seen this constellation in the sky at night? हम्म hmm, डेफ़िनेटली मैंने तो बच्चों रात को जाग कर कई बार अपने घर की छत से ऐसे कॉन्स्टलेशंस को देखा है क्या आपने इन शेप्स को तारों में या फिर कुछ ऐसी आकृतियों को बनते देखा है इफ़ यस प्लीज लेट एस नो ऑन लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन सो वी विल हेयर नो दैट वॉट इज कॉन्स्टलेन्स एंड हाउ दे शोन टू अस यस एंड डू यू नो दे आर ट्वेल्व कॉन्स्टलेन्स एंड द राशि आपने सुना होगा mm -hmm. वो इन्हीं के नाम पर है जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में एरीज स्पाइसिस एक्वेरियस कैप्रिकॉन है ना सेजिटेरियस दीज आर द कॉन्स्टेलेशंस ओके यस नाउ व्हाट इज दिस चिल्ड्रंस कैन यू कैन यू गेस इट व्हाट इज दिस यस एक तो हमारी अर्थ है और दूसरा uh, कुछ राउंड अबाउट एंड इट इज अबाउट अ बर्न ऑफ फायर एंड कमिंग अराउंड अवर अर्थ राइट सो मैं कुछ कुछ तो अपने आंसर <laughs> के नज़दीक आ चुकी हूँ बच्चों क्या आप गैस कर सकते हैं ये क्या है इट इज़ अ मिट्टी और बच्चों ये मिट्टी और है जिसे हम हिंदी में उलवा पेंट भी बोलते हैं ये स्टोन्स होते हैं या कुछ स्पेस में बड़े रॉक्स होते हैं जो हमारे अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं या फिर अर्थ के आस पास से जा रहे होते हैं मैम क्या जब, ये जब इनका उल्का पिंडों का या मीटीर्स जब हमारे अर्थ की साइड आते हैं तो क्या ये हमारे अर्थ को कुछ हार्म भी पहुंचाते हैं क्या ये हमारे स्पेस में एंटर करने के बाद हमारे एरिया में एंटर करने के बाद आ, कुछ आ, अफेक्ट या कुछ हमें भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द इंटेंसिटी फ्रॉम विच दे आर कमिंग एंड एज यू कैन सी दैट दे हैव कैप्चर्ड फायर वाइल कमिंग टू द अर्थ जब ये हमारे एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो ये इन में जो है एक बर्निंग पोटेंशियल uh, आ जाता है ये फायर कैच कर लेते हैं आफ्टर दैट इफ यू कैन सी दैट देर आर ह्यूज स्टोन कमिंग फ्रॉम द स्पेस विद विद हाई स्पीड एंड इंटेंसिटी कैन हाउ मच डिस्ट्रक्शन इट कैन कॉज डिफिनेट इज दिस चिल्ड्रन लुक एट पिक्चर वट इज दिस सो so, क्या ये एक सैटेलाइट है जी बिल्कुल ये एक सैटेलाइट है सो mm -hmm. so, मैम क्या हम जान सकते हैं सैटेलाइट का क्या वर्क होता है और सैटेलाइट को स्पेस में शिफ्ट जो हम लोग स्थापित करते हैं या वहाँ पर रखते हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सैटेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सेटेलाइट mm -hmm. की मदद से हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है और जो जो नेटवर्क है जो अभी हमारा जो मैं लाइव यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ ये भी सैटेलाइट की हेल्प से ही ये yes. <laughs> पॉसिबल हो पा रहा है <laughs> जी जो सैटेलाइट है वो हमारी अर्थ के अराउंड यू नो रिवॉल्व करती है सो so दैट ये डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज जो है वो गैदर करे और ट्रांसमिट करे एंड चिल्ड्रंस व्हाट इज़ दिस रॉकेट यस रॉकेट एंड Where is the rocket going? It is space is space, to crossing our earth. Yes, it is crossing our earth. Right. So, children, these are the, just the glimpses which we are discussing it later. That there are lots of things present in our space, mm -hmm. and in this chapter, we are going to learn about Sunita William and her story. फ्रॉम दिस पेस देन उन्हें कैसा लगा वहाँ पर उन्होंने टाइम कैसे स्पेंड किया और भी बहुत सी बातें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके टॉकिंग विद सुनीता वेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन लाइक उजैरा एंड शमीर गोट द चांस टू मीट हर सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वॉन्टिड टू कम टू इंडिया एंड मिड चिल्ड्रन शी केम टू इंडिया टू फिलफिल कल्पनाज ड्रीम तो बच्चों कल्पना चावला हमारी भारतीय भारतीय मूल की एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री रही जिन्होंने कि की एक कीर्तिमान स्थापित किया भारत मूल की होने के साथ ही वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी जी, हमारा जी, और कल की, जी कल्पना चाहती थी कि वो एक बार भारत ज़रूर आए और हमारे बच्चों से आप सबसे मिले लेकिन कल्पना का ये सपना पूरा नहीं हो पाया सुनीता विलियम्स ने जब इंडिया विजिट किया और आप बच्चों से मिली तो उन्होंने कहा इस समय वो कल्पना का एक सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर है और ये वाकई ही बहुत खूबसूरत बात थी जो कि सुनीता ने कही जी बिल्कुल मैम आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह जो कल्पना चावला हैं वो इंडिया आना चाहती थी यहाँ के बच्चों से मिलना चाहती थी एज वी नो कल्पना चावला इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन हु वेंट टू स्पेस और उनके बाद जो है सुनीता विलियम्स कहीं वो भी इंडियन ओरिजिन की ही थी और वो चाहती थी कि वो इंडिया आकर यहाँ पर बच्चों से मिले क्योंकि ये कल्पना चावला का ड्रीम था जो वो फुलफ़िल करने के लिए इंडिया आई अब ये बहुत दुखदपूर्ण रहा कि जो कल्पना चावला हैं उनकी सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई जिस वजह से हमने उन्हें खो दिया तो उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स आकर के इंडिया में बच्चों से मिली जी तो बच्चों अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी अंतरिक्ष यात्री से मिले तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप ये सब प्रश्न हमें भी बताएं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी क्यूरोसिटी आपके प्रश्न जितनी भी हैं वो हम तक पहुंचे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी प्रयास रहता है आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का मैम क्या हम अभी अपने समय को देखते हुए कुछ और बातें सुनीता इन स्पेस से जान सकते हैं बिल्कुल जान सकते हैं मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखाना चाहूँगी जी एज यू यू कैन फोकस ऑन द पीपीटी, लुक एट द स्नैपशॉट्स जी तो uh, आप अपनी इस समय स्क्रीन पर देखेंगे लेकिन यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा से बात करते हैं और आपको बताते हैं हम पढ़ रहे हैं आज सुनीता इन स्पेस ये आपकी ई की टेक्स्ट बुक से है और चैप्टर नंबर इलेवन है हम इसका आज पार्ट वन देख रहे हैं और पार्ट वन में हमारा प्रयास है कि हम आपको बता पाएँ कि सुनीता कौन थी हमने कल्पना चावला को भी जाना और सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और भी जानते हैं आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर येस सुनीताज एक्सपीरियंसिस ऑफ लिविंग इन स्पेस एज वी कुड नॉट सेट एट वन प्लेस सुनीता ने बताया कि वह हम एक प्लेस पर नहीं बैठ सकते थे वी कैट फ्लोटिंग इन अ स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर हम एक एंड से दूसरे एंड पे बस फ्लोट ही करते mm -hmm. रहते थे एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर एंड ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली एंड वाटर टू डज नॉट स्टेट वन प्लेस मतलब पानी भी एक जगह पर नहीं रहता था वो फ्लोट्स होता था ब्लॉप्स के फॉर्म में छोटे छोटे ब्लॉप्स के फॉर्म में और वी हैव टू गर्ल्प इट Okay. they have to gulp it basically <laughs> to wash our face our hands we had to catch the blobs and wet paper with them so you can imagine hmm. the life on there, life on, in space like you can't sit at one place you have to you know float from one end to another end and you can can't have you know water properly you hmm. have to gulp the blobs uh, blob, little blobs of water so bacho so वी एट वेरी लिट वी एट वेरी डिफरेंटली देयर हम बहुत अलग तरह से खाते थे द रियल फन वॉज वेन ऑल ऑफ फर्स वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेस शिप एंड कैश द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स कैन यू इमेजिन जो आपका फूड है वो फ्लोट हो रहा है और हमें वो कैच कर करके लाइक खाना है तो सुनीता विलियम्स का या और भी जो आस्ट्रोनोट्स uh, होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम या क्या उन्हें फ़न लगता है स्पेस में रहने पर तो ये हम सुनीता विलियम्स के एक्सपीरियंस से जान पा रहे हैं बिल्कुल है। तो आज बच्चों हमने सुनीता विलियम्स के एक्सपीरियंस का एक पार्ट तो देख लिया और अभी इस पार्ट में बहुत कुछ शेष है यानी हम अपने अगले पार्ट में सुनीता के एक्सपीरियंस और भी कुछ बातों के साथ आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक दिन तो शायद ये चीज़ उन्हें पसंद आती हो कि सब चीज़ें उड़ कर या वो खुद भी उड़ रहे हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद जब आप इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिता रहे हैं तो चीज़ें चाहे वो पाँच हो खाना हो आप तक नहीं पहुंच पा रही शायद ये आपको परेशान करता हो आप ऐसा इस बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज़ हमें जरूर बताएगा लेकिन यहां हम अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि हम पार्ट टू में और क्या क्या सीखने वाले हैं और अपने इस सत्र को आज यहीं समाप्त करेंगे जी जी हम आगे के सेशन में जानेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसके बारे में जानेंगे और सुनीता विलियम्स की जो लिविंग है जो हमें अभी आधी जानी है इस फर्स्ट पार्ट में और हम इसे पूरा जानेंगे इसके सेकेंड पार्ट में हम कल्पना चावला और और भी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आगे चैप्टर में बात करेंगे और हमारे जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं लाइक आपकी अर्थ सन एंड मून एंड डिफरेंट कॉन्सलेशन वगैरह हम सब के बारे में एक प्रॉपर सेशन रखेंगे जो कि नेक्स्ट में हम इसे कम्प्लीट sure. करेंगे यहाँ हम अपने आज के सत्र से आप सभी से अनुमति लेना चाहेंगे और धन्यवाद करते हैं मैम मीना सिंह का असिस्टेंट टीचर आर एस के वी कोंडली जीजाबाई डेली से मैम थैंक यू सो मच फॉर टू सेशन थैंक यू मैम थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स हम आपसे बस कुछ ही कुछ ही मिनटों में एक बार फिर जुड़ते हैं हम कक्षा पाँच के बच्चों के लिए मैथेमेटिक्स का अपना अगला सत्र लेकर आएंगे एंड टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज चैप्टर नंबर नाइन बॉक्सेस एंड स्केचेस प्लीज स्टे कनेक्ट विद अस माई नेम इज इसजन राजपूत एंड नमस्कार